फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करेंगे जो आज 1/10/2017 को फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है उसका फुल मैथ सोल्ड। अब की बार एचएसएससी वालों ने 18 क्वेश्चन डाले हैं, 18 क्वेश्चन पहली बार आए हैं मैथ के, तो हम 18 के 18 डिस्कस करेंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और लाइक, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। क्वेश्चन नंबर 1, साधारण ब्याज पर एक 5 वर्षों में दुगना होता है। यदि हमारे पास 100 रुपए थे, दोगुने हो गए 200 रुपए, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, लेकिन ब्याज तो 100 ही हुआ, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, मतलब एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 20 रुपए, क्योंकि हर वर्ष का ब्याज सेम होता है साधारण ब्याज में। हमने कितना गुना करना है? 4 गुना, 100 थी हमारी और हमने करना 4 गुना, मतलब ब्याज कितना करना है हमने? 300 रुपए, एक वर्ष का 20 है तो 300 कितने वर्षों में हो जाएगा? 20 गुना 15, 315 आंसर आ गया, 15 वर्षों में, पहले का सी। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया हुआ था, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे ही 10 की पावर 10 तक गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है? देखो फ्रेंड्स, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 में 10 तो ये होगी शून्य, लेकिन 5 और 2 भी तो मिलके 10 बनाएगा, तो 5 की पावर 5, तो इससे भी कितनी 5 0 इससे बन जाएंगी, कितनी 0 बन जाएंगी? 5, तो टोटल कितनी होगी? 10 + 5 15 0, तो मतलब आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो फ्रेंड्स, a^3 - b^3, a² + b² + ab, a^3 - b^3, a² + ab + b², a^3 - b^3 का फॉर्मूला क्या होता है? a - b, a² + b² + ab, और बटे में क्या है? a² + b² + ab, इससे ये कैंसिल हो गया, तो a - b हमारा क्या आ जाएगा आंसर? आंसर कितना आ जाएगा? 0.96 - 0.10, तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.8866, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 122 243 विभाजित करने पर क्रमशः 2 बचे और शेषफल 3 बचे। देखो फ्रेंड्स, 12 से भाग करेंगे तो भी 2 और 3 बचेगा, लेकिन हमने पता नहीं बड़ी से बड़ी, 30 से भी बचेगा, 24 से भी, तो आंसर हमारा बड़े से बड़ा क्या आ जाएगा? 20, क्योंकि 122 को यदि मैं 120 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा? 2, और यदि मैं 243 को 120 से भाग करूंगा, 120 × 240, 3 बच गया, यही बचना चाहिए 2 और 3, तो 120 हमारा क्या है? आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5, -1/2 + 2/3, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60, क्योंकि 2, 3, 5, 4 इनका सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, ये कितना हो जाएगा? -30, माइनस से यहाँ 20 से गुना होगी -40, यहाँ 12 से गुना होगी 12 × 48, और यहाँ 20 से गुना होगी -20, यहाँ 12 से गुना होगी 12, और यहाँ 15 से गुना होगी 15 × 3 = 45, ये कितना आ गया? ये तो हो गया ऊपर वाले का हिसाब, नीचे वाले का, नीचे वाले का एलसीएम कितना आ गया? 30, 15, यहाँ 10 से गुना होगी 10 × 20, माइनस यहाँ 10 से गुना होगी 40, और यहाँ 10 से गुना होगी 10, यहाँ 6 से गुना होगी -6, और यहाँ 6 से गुना होगी तो -24, ठीक है फ्रेंड्स। अब कितना हो गया? -30 - 40 - 20, तो -90 और 48 और 12 60 और 45 160 और 45 105 हो जाएगा, तो 105 -90/60, और ये कितना हो जाएगा? 15 और 20 35, 35 और 10 45, 24 36 और 70, तो -35/30, ये काटेंगे हम 5 से, टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा? -3/10, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं? 1 से लेके 100 तक कितनी बार 3 आएगा? देखो फ्रेंड्स, वैसे तो हमारा 11 बार आना चाहिए क्योंकि 33 में एक बार और होता है, लेकिन हमारे क्या से आएगा? 3, 13, 23, 33, 44, 53, 63, 74, 93, ये सारे हो गए 3, लेकिन ये भी तो आ रहे हैं 31, 32, 33, 34, 35, टोटल हमारे कितने आएंगे? 20, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, आज वरुण का जन्मदिन है, आज से एक वर्ष बाद वह, जैसे आज यदि एक्स जन्मदिन है तो आज से एक वर्ष बाद एक्स प्लस वन,
और 12 वर्ष पहले का दोगुना है। 12 वर्ष पहले ये था तो दोगुना, यदि हमने 25 ले लिया तो ये कितना हो गया 26, और 12 वर्ष पहले 13, 13 का कितना हो गया दोगुना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर ये सी। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना है, यदि लड़के एक्स हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़कियां 3x, तो इनका ये मल्टीपल टोटल कितना मल्टीपल हो गया 4x, 4 से भाग जाने चाहिए टोटल, लेकिन 4 12 चौके 48, 11 चौके 44, 4 2 40, लेकिन ये 42 4 से भाग नहीं जा रहा, तो कुल छात्रों की संख्या को नहीं दर्शा सकती, तो ये 42 नहीं दर्शा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 9, विक्रय मूल्य पर 20% का नुकसान, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत का नुकसान है। यदि हमने विक्रय मूल्य 100 मान लिया तो 20% का नुकसान मतलब 80 हो गया, तो 80 पे ये कितने का नुकसान है टोटल, 80 का 20, 20 80 का कितने प्रतिशत होता है, 20 सौ का 80, तो 1/4 का मतलब 1/4 गुना 100, तो 25%, 25% हमारा क्या आ जाएगा आंसर, आंसर ए। एक द्वीप में प्रत्येक 3 महिला पर 4 पुरुष हैं, यदि 3 महिलाएं हैं तो कितने हैं 4 पुरुष हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि 3 पुरुष पे, यदि 3 पुरुष हैं तो कितने हो जाएंगे टोटल, 5 बच्चे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि उस द्वीप में 531 महिलाएं हैं, टोटल टोटल कितनी महिलाएं हैं, 531, 531 को मैं 3 से भाग दे दूंगा, 3 एकम 3, 2 बज गया 23, 3 सत्ता 21, 170, 170 गुना पुरुष हो गए, 4 गुना 170 पुरुष हो गए टोटल, 4 गुना 170, 4 सत्या 28 का 88 2, 4 सत्या 28 और 2 30 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, 708 पुरुष हो गए, और 3 पुरुष पे 5 बच्चे हैं, यदि मैं 103 से भाग दूंगा, 708 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 10, 3 3 9, 1 3 6 18, 236 50, ये कितने हो जाएंगे बच्चे, तो टोटल 1180, 236 गुणा में 5 टोटल 1180 टोटल बच्चे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, दो रूट की करनी के ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/5, और इसको 6 की पावर 1/10, और ये कितना हो गया 15 की पावर 1/20। अब इनको अब हम बता तो नहीं सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन हमने बतानी है सबसे बड़ी संख्या, तो हम इसको 20 में कन्वर्ट कर लेंगे सभी को। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, 32 लिख लिया, 5 से ही भाग दे देंगे तो 1/20 हो जाएगा, 3 की पावर 4 लिख के और उसकी पावर 1/20 कर दी, और 6 की पावर 2 लिख के उसकी पावर 1/20 कर दी, और 15 की पावर 1/20, यही 5 से पावर कर दी, 5 से भाग दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, 32 की पावर 1/20, ये 3 की पावर 4 81, 81 की पावर 1/20, और 36, 36 की पावर 1/20, और ये कितना हो गया 15 की पावर 1/20, तो सबसे बड़ा कौन सा है 81 की पावर 1/20, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 81 वाला। ठीक है फ्रेंड्स, 81 वाला कौन सा आंसर है 4। ठीक है, आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स इसका, 5√3, सी आंसर है इसका। यदि थीटा बराबर 44 डिग्री है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखो फ्रेंड्स, कोई भी सीकेंट थीटा क्या होता है, यदि हम 0 1 से जाएंगे 90 तक घटता जाएगा, घटता क्रम में जाएगा, और कोसिकेंट थीटा 1 से 90 तक बढ़ते क्रम में जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा बड़ा होएगा सीकेंट थीटा से। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलें। किसी निश्चित मात्रा में दूध 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 हो गया और 25 लीटर पानी का मिश्रण है, दूध हो गया ये और इसमें 25 लीटर पानी है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम इसे 2 रुपये रेट, 2 रुपये रेट है, 2 रुपये प्रति लीटर है। यदि शुद्ध दूध की मात्रा, शुद्ध दूध का मूल्य 12 रुपये प्रति लीटर है, शुद्ध दूध है जो उसका रेट क्या है 12 रुपये, तो हम यदि इसको 5 लीटर ले लिया हमने दूध, 5 लीटर दूध ले लिया, तो 5 लीटर दूध हो गया तो 25 लीटर पानी है, तो टोटल कितना हो गया 30, और 2 रुपये लीटर है, 30 दूनी 60, और 5 लीटर दूध कितने का है 12 पंजे 60, तो इक्वल आ गया हमारा आंसर कितना है ए। क्वेश्चन नंबर 14, एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ये हो जाएगी समचतुर्भुज। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये इसके विकर्ण हो गए, ये 12 साइड दे रखी है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 44 है, ये 44 है, तो इसका आंसर आंसर अब ये क्या बन गया, एक समद्विबाहु, समद्विबाहु ये बन गई, समद्विबाहु ये बन गई, 4 समद्विबाहु बन गया, और इसका आंसर
सी और डी में से एक है, निकाल के देख लेना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, 380 380 ये हमने हमारी फर्स्ट वीडियो है, जो हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी उसमें ही करवाया था मैंने इसका फॉर्मूला। जब भी कोई प्लस में आता है तो इसका कैसे निकालेंगे हम, रूट फोर एन प्लस एक प्लस एक बटे दो। यदि माइनस वाला आ जाए तो माइनस वाला क्या था, फोर एन प्लस एक माइनस एक बटा दो। अब एन की जगह क्या रखना है, 380, 4 × 380 प्लस एक प्लस एक बटे दो, ये कितना आ जाएगा टोटल 1521। 1521 प्लस एक बटे दो, 1521 का कितना होता है वर्गमूल 39 प्लस एक बटे दो, 40 बटे दो कितना आ जाएगा 20, जो कि हमारा आंसर है बी। एक औरत कहती है यदि मेरी उम्र को उलट कर लिखते हैं, जैसे मेरी इसकी उम्र को उलट, जैसे कोई भी 10x + y इसकी उम्र है तो इसको उलट दें तो कितना हो जाएगा 10y + x, तो उसके पति की उम्र आ जाती है और वो पति की उम्र उससे ज्यादा है। यदि उनका अंतर, अंतर जो भी आ रहा है, अंतर और योग, योग को हम 11 से भाग दें तो अंतर के बराबर आता है। यदि हमने इसकी 45 मान ली, लेडीज की उम्र कितनी होगी 45, तो इसके पति की 54, इनका योग कितना आ गया 99 और इनका अंतर कितना आ गया 9। यदि 99 को 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9। बाय ऑप्शन से हमने इसको किया है क्वेश्चन नंबर अब 17। क्वेश्चन नंबर 17, रवि का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है, यदि रवि की उम्र आर है तो उसके भाई की कितनी होगी, 3 वर्ष बड़ा है, आर प्लस 3। जब उसकी बहन का जन्म हुआ था तब उसके पिता की उम्र 28 थी, जब उसकी बहन जो भी उसकी, ये तो हो गया ब्रदर, यहां मान लेते सिस्टर, जब उसका पिता कितने का था 28 वर्ष का, जब उसकी सिस्टर पैदा हुई थी, जब उसके जन्म के समय उसकी माँ की उम्र, जब ये जन्म हुआ था इसकी उम्र के समय उसकी माँ की कितनी थी, ये माँ होगी और ये पिता, ठीक है फ्रेंड्स। माँ की उम्र 26 वर्ष थी, यदि उसके भाई के जन्म के समय उसकी बहन 4 वर्ष की थी, यदि ये 3 वर्ष बड़ा था तो ये कितना हो जाएगा आर प्लस, ये सिस्टर इससे 4 वर्ष बड़ी है तो 7 हो जाएगा टोटल, रवि से 7 वर्ष बड़ी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो रवि के भाई के जन्म के समय उसके पिता और माता की उम्र कितनी होगी, देखो 26, ये रवि के जन्म के समय ये माता उसकी कितनी हो जाएगी 29 की, 23 की, 26 में से 3 गया क्योंकि रवि से 3 वर्ष बड़ा है और 4 वर्ष छोटा है ये ब्रदर इससे, तो 28 वर्ष का था तो 4 वर्ष कितना हो जाएगा 32, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 32 और 23, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या क्या था, 60 छात्रों की एक कक्षा में वार्षिक खेल में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात दे रखा था 3:2, खेल में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या खेल में भाग नहीं लेने वाले लड़कों की संख्या से 5 अधिक थी, यदि हमने ये 10 माना है, लड़कियां 10 मानी तो ये कितने हो गए 15, और इसमें टोटल ये 25 हो गए, लेकिन टोटल कितने थे 60, 35 थे जो नॉट पार्टिसिपेट थे, 15 बॉयज निकले हैं जो नॉट पार्टिसिपेट थे, 20 गर्ल्स, तो 20 लड़कियां ये होगी, 10 ये लड़कियां यहाँ होगी, 10 और 20 टोटल कितनी होगी 30, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर इसका कितना आ जाएगा सी, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें वीडियो को।